दिवाली का आपको बताते हैं कि दिवाली की तैयारियां कैसे चल रही है। तेरे हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहे, तो चले हम आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। मैं घर के लिए भी लेके जाऊंगी, मुझे दिलाना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनका चैनल, कमेंट करें। श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हम आए हैं फिर से ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और यहाँ दिवाली का आपको बताते हैं कि दिवाली की तैयारियाँ कैसे चल रही है, और दीवे और पटाखे सब यहाँ पर मौजूद हैं। हम दिखाते हैं तोरण वगैरह, ये सब चीज़ें दिखाएंगे, तो आप देखते रहे हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें, तो चले हम आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। दिवाली के सारे खिलौने और दीवे, और ये दुकानदार सारे बैठे हुए हैं। जय श्री राम। जैसा देख रहे हैं लता जी भी आ जाएंगे दिवाली के लिए घर के। आज भी चढ़ता है तो नीवेज के लिए यहाँ प्रसाद भी मौजूद है, और एक हमारी ये बहन लेके बैठी हुई है। तो बहन, कैसा काम हो रहा है अभी आपका? सही हो रहा है। कैसा रश वश है यहाँ लोगों का? रश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ये मालाएं भी हैं, मालाएं भी बिक रही हैं, माता जी को अर्पण करते हैं। सब चीज़ बेहतरीन किस्म के आप देख रहे हैं, दीवे हैं बड़े खूबसूरत खूबसूरत दिए, और ये सारा ये दिवाली का आप देख रहे हैं अरेंजमेंट है। सब चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, दिवाली के प्रोग्राम की सारी आप देख रहे हैं। सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और स्टॉल लगाए हैं लोगों ने। माशाल्लाह हमारी माला है, समझ में? ये माला है, हम हर शादी लगाते हैं, समझ में? और लेते हैं लोग हमारे से, एक से एक माला है हमारी, हमारे पास हर आइटम मिलेगा। ये देखें लता जी के हाथ में मालाएँ हैं, जो माता जी खूबसूरत खूबसूरत, और ये दिवाली के लिए तोरण भी यहाँ मौजूद है। तो हम आपको दिखा रहे हैं सब चीज़, आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद है। भाई की दुकान पे आओ, हार लेके जाओ, मालाएं लेके जाओ, जल्दी जल्दी आना। ये देखे दियो का ढेर पड़ा। ये दिखाना भाई, ये वाला, ये हाँ, ये देखे ये दिया भी कितना अच्छा है। ये मैं घर के लिए भी लेके जाऊंगी, मुझे दिलाना, बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा घूम लूँ, फिर आप लोग को थोड़ा घूम लूँ, फिर मैं अपनी शॉपिंग भी करूँगी दिवाली की, दिए ये लूँगी, तोरण लूँगी। चले, जय श्री राम, जय बजरंग बली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं यहाँ आके ये पूरा एक इंस्टॉलमेंट सजा हुआ है, जहाँ ये भी आपने पिछले दिनों में आपको दिखाया था रामायण, उसी ग्राउंड के अंदर अब ये सारे स्टॉल सजे हुए हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे दिए, इनको कलर किए गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं इनमें, और ये सारे आप देख रहे हैं छोटे छोटे दिए। बहुत खुश हो गई, मैं तो दिए सामान देख के। चलें, आपको दिखा रहे हैं सारा। जय श्री राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थोड़ा सा बताएं कैसे मिल रहा है, सही मिल रहा है? रेट वेट सही है यहाँ? हाँ, रेट पर सही, मुनासिब है। कुछ लिया आपने अभी? हाँ, बस वो लिए, दिए वगैरह ले रहे हैं। चल, धन्यवाद। पूजन का सामान दस्तियाब है, ये मालाएं और ये नारियल अगरबत्ती, और ये हमारे एक भक्त भी देख रहे हैं जो पूजा का सामान, पूजा का सामान, पूजा का सामान, पूजा
सारी सामग्री आपको यहाँ मिल जाएगी। लक्ष्मी पत्री, ये देखें लक्ष्मी पत्री, ये लता जी के हाथ के अंदर है, देखें ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद है। पूरे धार्मिक तरीके से आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी आपको। और ये बहुत ही अच्छा सुंदर, ये देखें नारियल भी है, ये छालिया है, सारे माता के, ये आप देख लें, ये सिंदूर मौजूद है और चंदन मौजूद है यहाँ। इसका नाम क्या है बेटा? ये लोबान। सारी सामग्री इनके पास मौजूद है, तो जिनको चाहिए तो वो स्वामीनारायण मंदिर में आए और यहाँ पर सब चीज़ें आपको मिल जाएगी लक्ष्मी माता की पूजा के लिए। तो बहुत अच्छा सा इन्होंने सेटिंग की हुई है। ये देखें रंगोली भी, रंगोली का भी सारा सामान आप लोग को मिलेगा। अगर बोलती ये, हाँ देखो दीवे कलर है, ये देखो दरवाजे के सामने लगाने का, ये भी, और लक्ष्मी माता का सारे, ये माता के पगले भी देखें, सब चीजें यहाँ मिलेंगी आप लोग को, बहुत अच्छी अच्छी है। बहुत कहाँ से मंगाए हैं सारा सामान, कहाँ से आया? यहीं का ही, बहुत अच्छा सामान यहाँ पे देखिए बन रहा है आजकल, हमारे यहाँ प्रिंटिंग वगैरह सब यहीं हो रही पाकिस्तान में, बहुत अच्छा। ये क्या कितने के कलर्स है बेटा? ये जो कलर का पैकेट उठाए इसके दाम बताए। ये 50 रुपए का, ये छोटा 50 का, और बड़ा आपको मिलेगा, इससे छोटे वाला ये पड़ा है 10 रुपए का। अच्छा 10 रुपए। इसके छापा जो मारते प्लेट आती है वो कलर बनाने की, वो चीज़ें नहीं है आपके पास जिसमें मोर वोर होता है, पंच मारते हैं ना कलर सजाने के? अच्छा निकालिए इधर दिखाइए, ये कितने की रंगोली? ये आपको 150 रुपए लगेगी। अच्छा इसमें छोटे वाली पड़ी है 120 रुपए की। ठीक है जबरदस्त, तो ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप देख रहे हैं, अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देख लें आपको तोरण भी दिखाते हैं, तोरण तोरण लगा हुआ है, ये देखें बहुत खूबसूरत। अच्छा भैया बताएं ज़रा कारोबार के बारे में बताएं आज, और यहाँ पर काम करने में कोई तकलीफ नहीं? नहीं कोई 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 इशू नहीं है यहाँ पर, मैनेजमेंट आपके साथ कोऑपरेट फुल, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत धन्यवाद आपका। आप ये देख रहे हैं ये माता रानी की सारी, आज लक्ष्मी पूजा का आरंभ होने वाला है, टाइम आ गया है एक दो दिन में, आज से कुछ लोगों ने कल से बिठाएंगे माता को, क्योंकि आगे ग्रहण सूर्य ग्रहण भी है, तो मेरा ख्याल कल। तो ये सब चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सी जो धार्मिक है सारी, ये पगले भी आगे मौजूद है, साठिया है, और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्वामीनारायण मंदिर के ग्राउंड्स के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये सारे स्टॉल लगे हुए स्वामीनारायण मंदिर में, आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा बाज़ार बन गया है ये। आज लक्ष्मी माता का त्यौहार है और ये त्यौहार की सारी सामग्री यहाँ मौजूद है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपको सब चीज़ें यहाँ देखें, भगवानों की छवि भी मौजूद है इनके पास, किसी का किसी किस्म की भी छवि चाहिए आपको मिल जाएगी। महादेव शंकर मौजूद हैं, हनुमान जी हैं, और सारी ये विग्रहें भगवान की यहाँ मौजूद हैं, और माता के पगले हैं, और ये घर के बाद रंगोली लगाने का, ये भी रंगोली, और ये सारा सिस्टम है छालिया वगैरह, और ये क्या चीज़ है भैया? सिर्फ लाइट है। अच्छा ये देखें बड़ी खूबसूरत सी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके, और बहुत अच्छी चीज़ें क्योंकि यहाँ सब चीज़ें धार्मिक मिल रही हैं, कोई पूजा में किसी किस्म का भी मसला नहीं आएगा। दिखाएं जलाएं, ये देखें कि स्पेशल कैंडल आई है दिवाली के मौके पे, जो लाइट जल रही है आप जला के ऐसे रख सकते हैं माता के पास, बहुत खूबसूरत। कितने का है ये? कितने पीस है इसमें? 24 पीस। अच्छा 2 दर्जन, ये 2 दर्जन का पीस 960 रुपये ना, 960 का 2 दर्जन का पीस, तो बहुत अच्छा लगा। आप ये देखें यहाँ भी एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ भी अगरबत्ती और गुलाल ये सब चीज़ें मौजूद हैं। राम जी महाराज जो यहाँ के आप समझ सकते हैं स्वामीनारायण मंदिर में इनका ये स्टॉल हमेशा होता है, और ये इन्होंने आज स्टॉल यहाँ लगा लिया है ग्राउंड्स के अंदर, इनके पास सब सामग्री यहाँ मौजूद है आप देखें, तो काफ़ी सामान लता जी यहाँ से लेती हैं राम जी भाई से, और ये हमें स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं,
और ये इनका दिखा रहे हैं आपको बैनर, ये देखें ये राम जी लक्ष्मी पूजा आप देख रहे हैं जबरदस्त सबको हमारी ये 250 आपके लिए दूध चाहिए तो ये सी हिसाब की बात नहीं है बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के हम दिखा रहे हैं मंगलसूत्र भी यहाँ मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि मंगलसूत्र भी यहाँ पे और ये चूड़ियाँ बहनों और माताओं के लिए बेटियों के लिए यहाँ सब चीज़ें मौजूद हैं ये मालाएं और ये आप देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ सब चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं कुबेर कौन सा भैया ऐसे कुबेर कुबेर नहीं है ना अच्छा ये आप देख रहे हैं कि ये वो तो चाइना बाबा है ना यार लेकिन लोग यही ले जा रहे हैं अभी हाँ तो वो बस बेचारे अब जब कुबेर साहब नहीं होंगे तो बोले चलो यही कुबेर है वही पैसे वाला यही पैसे वाला चलो लक्ष्मी माँ के साथ होता है सही लगा लो ये ले लो जबरदस्त चीजें देख रहे हैं आप सारी चीजें बम पटाखे लेने हैं देखें ये बच्ची हमें बम पटाखे बेच रही है दिवाली के तेल कितने बम पटाखे हैं आपके पास हाँ क्या रेट चल रहा है बम पटाखों का हाँ चल रहा है अंकल कितने रेट कितने का मुझे नहीं पता मेरी मम्मी को बताएं अच्छा चले फिर हम आपके साथ चलेंगे आपको दिखाते हैं हेलो हैप्पी दिवाली इन एडवांस और अभी तो फिलहाल हमने दिवाली की ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है कपड़े वगैरह लिए हैं थोड़े लहंगे वगैरह ले लिए नॉर्मल चीज़ें ली हैं ज़्यादा नहीं ली हैं और बस अलग से अभी थोड़ा सामान वगैरह लिया है रंगोली वगैरह का सोचा था लेकिन इधर है नहीं फिलहाल तो दिए वगैरह लिए हैं अगरबत्तियाँ वगैरह लिए यही सब नॉर्मल सामान वगैरह फूल के हार वगैरह लाइक करें सब्सक्राइब करें इनका चैनल कमेंट करें जितना ज़्यादा इनको सपोर्ट कर सकते हैं आप उतना सपोर्ट करें क्योंकि ये मेरी प्यारी सी आंटी हैं तो इन्हें प्लीज़ आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप उतना सपोर्ट करें थैंक यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस जय श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव आप देख रहे हैं कि यह दिवाली की तैयारी बड़े पुरजोश तरीके से चल रही है जो जो चीज़ चाहिए आपको सब चीज़ें यहाँ मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने सजाया है स्टॉल को आप दिखा रहे हैं हम आपको ये सब आप देख रहे हैं लता रवि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि सारी सामग्रियाँ मौजूद हैं दिए मौजूद हैं शिवलिंग मौजूद हैं ये शिवलिंग कितने की है छोटी शिवलिंग छोटी अरे क्या बात सही कर रहे हैं आपके स्टॉल पे कैसा चल रहा था सही है सर अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है जी दयानंद भाई भी यहाँ मौजूद है इनका भी स्टॉल लगा हुआ है और बहुत ही प्यारी ये शिवलिंग है आप देख रहे हैं छोटी सी शिवलिंग प्यारी है और ये सब चीज़ें ये लकी बाबा भी मौजूद हैं सारे लक गुड लक्स देखें आप देखिए गुड लक लक चेंज करने वाले और सब चीज़ें ये दिखा रहे हैं आपको यहाँ देख रहे हैं पीतल का सामान दिए चराग घंटी वगैरह सब आपको मिल जाएगी तो बहुत अच्छा लग रहा है ये आप देखें दिवाली के सारे पोस्टर भी हैं बड़े बड़े यहाँ ये बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट्स कवर कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं हम आपको यूट्यूब लता रवि के माध्यम से आप देख रहे हैं हैप्पी दिवाली एडवांस आपको दिखा रहे हैं ये देखें बहुत अच्छा लग रहा है ज़बरदस्त ये सारी सामग्री हमारी गोमती चक्कर है और शुभ लाभ है ये पूजा में शुभ देते हैं अच्छा ये जो लक्ष्मी माता की पूजा में लगाए जाते पार्ट्स के ऊपर हाँ पार्ट के ऊपर लगाए जाते हैं अच्छा ठीक है और ये भी ले लो ये कोडिया भी ले लो कोडिया कितने ये भी 10 लेने पड़ती है ये पांच यही ले लो और पांच वो ले लो अच्छा पांच कोडी ले लो और पांच क्या ले ले ये गोमती चक्कर अच्छा ये पार्ट के ऊपर रखेंगे गोमती चक्कर तो वो दूसरा है ये कोडी और ये अलग तो गोमती चक्कर बताओ ना ये है गोमती चक्कर ये नहीं शुभ लाभ दूसरा है
अच्छा शुभ लाभ भी है इसमें। शुभ लाभ कौन सा भैया दिखाइएगा। शुभ लाभ ये। शुभ लाभ कौन सा भैया। शुभ लाभ ये देखो पूजाओं की चीजों की सामग्री के नाम ये है शुभ लाभ इंडियन। ये शुभ लाभ दिखा रहे हैं आपको देखिए। आप न्यू से आए हो क्या। न्यू से आए हो। नहीं हम लोग का धार्मिक चैनल है लता रवि यूट्यूब चैनल है धार्मिक चैनल है। ये सब चीज़ हम आपको हाँ बस दुआ करो माता रानी कृपा करे। ये नहीं यही है। जैसे शाम होती जा रही रश बढ़ता जा रहा है तो ये सारे क्राउड अभी आ रहे हैं अंधेरा सा हो रहा है थोड़ा सा फीलिंग में तो लता जी भी घूम रही है अभी साथ। देखे ये कौन सा सामान है भैया। इंडिया का सामान है सर। क्या ले मजा शुक्र है अल्लाह की मेहरबानी सर। अच्छा अल्लाह की जय माता दी। अल्लाह वाले भी सुनेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। और राम एक ही एक ही चाहे हिंदू हमारे भाई देखे चाहे मुसलमान देखे सब हमारे लिए बराबर है। ओके ओके तो आप ये देख रहे हैं सर धार्मिक चीजें इनके पास लोबान बहुत अच्छा देते हैं। ये लोबान और सारी सामग्री यहाँ दिवाली की ये सारा तोरण आए हुए 600 रुपए की दो दो 600 रुपए की दो जी सर। बाबा रबड़ कितना क्या है देख रहे हैं। अब लोबान भी जलाया है। ये सारी सामग्री है हमारी दिवाली की पूजा की। और ये एक हमारी बहन जो है वो ये स्टॉल लगा के बैठी हुई है। ये सब चीज़ें यहाँ आपको हमको दिखा रहे हैं आपको YouTube के माध्यम से आप देख रहे हैं लता रवि YouTube चैनल के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें देखिए बड़े खूबसूरत दिए इन्होंने इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाए कलर किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख के हमें। तो ये सब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी लता जी आप क्या कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तोरण वगैरह है और दिए हैं। आपको पूजा की हर चीज़ दिवाली की हर चीज़ यहाँ मिलेगी। चले आगे चलते हैं थोड़ा आगे भी आपको दिखाते हैं हम क्या 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 चीज़ें यहाँ मिल रही हैं सारी सामग्री। देखो बाबा झूले में सोया। ये दो काम हो रहे हैं देखिए बच्चे को भी संभाला जा रहा है और अपना कारोबार भी हो रहा है। तो ये एक माँ है तो माँ सब पे दया रखती है अपनी। इसी तरीके से ये माँ ने भी अपने बच्चे के पे इसके पर छत्र छाया रखी हुई है अपनी और साथ साथ अपनी सेवा भी कर रही हैं और कारोबार भी कर रही हैं। धन्यवाद है इनको जय श्री राम। तो आप ये देख रहे हैं सब चीज़ें यहाँ मौजूद है और सब कार्य हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ हमें आके ये सब ब्लॉग ज़बरदस्त। यहाँ भी कुछ स्टॉल लगे हुए हैं कुछ श्रद्धालु यहाँ भी बैठे हुए हैं। हाँ भैया कैसा चल रहा है काम। कब से लगाया स्टॉल आप लोग ने। ये सर आज से स्टार्टिंग कल से लगाया आज से। अच्छा आज से स्टॉल। कितने दिन का स्टॉल है आपका ये सर। आज कल और परसों। अच्छा 3 दिन लगेंगे स्टॉल ठीक है। अच्छा आपके पास कुबेर है। कौन सा है कुबेर दिखाइए। कौन सा आप दिखाए कुबेर। नहीं है कुबेर नहीं है ये तो लकी बाबा। हाँ असल कुबेर नहीं है यहाँ हमने अभी तक नहीं देखा। असल जो है ना वो दूसरी तस्वीर इसके साथ। चलो ठीक है धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं ये भी एक स्टॉल है यहाँ बहुत खूबसूरत स्टॉल। चारों साइड पे स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल हैं। सब सामग्री यहाँ मौजूद है मिल रही है बड़े आसानी से दिवाली की। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत थाली भी सजी हुई है दिवाली के मौके पर। ये सब चीज़ें यहाँ सामग्री माता की चुनरी ये सब चीज़ें यहाँ मिल रही है बहुत अच्छे तरीके से। और ये देख सकते हैं आप सब सारा सामग्री है बच्चों के खेलने के भी सामान इन्होंने बनाए दिए हैं दीप है वो आपको पीछे देखें कुछ और भी सामान है काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए बहुत खूबसूरत से 5 दीवे हैं और ये गुम्बद बना हुआ है तो ये त्यौहार के लिए इन्होंने बनाया ख़ास। तो ये बहुत अच्छे लगेंगे जब चराग इस पर चैतन होंगे और खूबसूरती से जब जलेगा तो 4 चांद लग जाएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो रेट पूछें इनसे। ये 350 रुपये का ये तैयार करके देखेंगे बहुत मेहनत है इसमें गोल्डन कलर किया है इन्होंने ऊपर से खूबसूरती भी बहुत अच्छी की है। ये 350 रुपये ये देखो फोटो पे जो चढ़ाते लड़िए तोरण भी है। माला है, माला नहीं तोरण है वो तोरण है वो माला ये माला है भगवानों पे चढ़ाते जो
हाँ तोरण भी बहुत अच्छे अच्छे। अब दुकान वाला पता नहीं कहाँ मैं खड़ी हो गई हूँ दुकान पे, दुकान वाले का पता ही नहीं है। हाँ ये मेरी दुकान है। चले और भी दिखाते हैं आपको। नाम बताइए भैया। रामू। रामू नाम है। और बहन आपका नाम? शांति। ये शांति भाई और रामू भाई यहाँ मौजूद हैं। देखिए ये भी अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए आए हैं स्वामीनारायण मंदिर में। इन्होंने भी स्टॉल लगाया। क्या चीज़ लेके बैठे हैं आप लोग? लकड़ियाँ। ये गन्ने की लकड़ी कच्ची? ये भी गन्ने की नहीं है, दूध की अकड़ की लकड़ी। अच्छा ये किस काम में आएगी? ये घर के अंदर दीवा जला के जी जी घर में फिरवा के फिर बाहर फेंकती है। तो इसको फिराने का क्या कारण है और क्या वजह है? खाने का नहीं, ये मतलब ये चराग जला के जी जी घर में घुमा के बाहर लेके जाके बच्चा नहीं वापस नहीं आएगा। अच्छा बाहर ले जाएगा तो सारे घर की कलश वगैरह दूर हो जाएगी। तो ये कौन से दिन होता है? ये दिवाली के मेन पहले वाले दिन या सुबह राम 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 जो सुबह करते हैं पूजा के बाद, सुबह जो माता की पूजा करते हैं उसके बाद। अच्छा ज़बरदस्त। तो रामू भाई आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर अभी? मलिर खोखरा पार्क। अच्छा देखिए ये कराची में आए मलिर खोखरा पार्क से। और ये हमारी दीदी भी मौजूद है शांति। और ये बाबू भाई रामू भाई ना सॉरी रामू भाई और हमारी शांति भाई बहन ये आए कारोबार करने। यहाँ कैसा चल रहा है काम? सही है? कुछ नहीं है बेटा, सुबह से बैठा है। 500 का भी नहीं बेचते, गरीब बंदे शोर दिमाग है, ये धंधा पानी कुछ नहीं। चले भगवान आपके साथ है, आपकी सहायता करे। और माता रानी चाहेगी तो ये कल आपको कुछ भी नजर नहीं आया क्योंकि टाइम है, पूजा का टाइम है। अभी पूजा का जैसे आराम होगी तो जाहिर है ये लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की और लोग ढूंढते हैं तो आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे। हम आप अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों का तो ज़रूर आपके पास आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जय श्री राम। ये देखिए कितनी मेहनत कर रही है, दिए को कितने खूबसूरत तरीके से सजा रही है। ये माता के कोई ना कोई पूजा करते हैं जब ये दिए चेतन करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये बड़ी मेहनत कर। अच्छा माता जी ये बताएं आप लोग कौन से इलाके से आए? ये महमूदाबाद चंदन। अच्छा ये महमूदाबाद चंदनेश्वर गोट से आए हैं और ये भी अपनी बच्चों की रोजी के लिए आए हैं। और माता रानी इनकी सहायता करें, इनके कारोबार में बरकत दे और जो अपना मन में ख्वाहिश लेकर आए वो उनकी पूरी हो। तो बस भगवान का भला करे। जय श्री राम। आप लोग की बहुत दिन तक मेहनत है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और इस उम्र में भी आके मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम। ये देख रहे हैं दो कपल्स का हमने आपको इंटरव्यू बताया। दोनों बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्र दराज है। भगवान की सहायता करें, ताकत और हिम्मत दें। तो ऐसी आशा रखते हैं हम। जय श्री राम। इनके पास मंदिर है, जरा मंदिर दिखाते हैं आपको। ये बेटा कितने का मंदिर है? बड़ा वाला ये 18,000 का है, ये 8,000 का। अच्छा ये दो मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, ये तैयार मंदिर। इन्होंने इसमें जोर दराज भी मौजूद है। लाइटें जलती है बेटा इसकी? लगाएंगे जलाएंगे थोड़ा। अच्छा चले ये कितने इसके क्या प्राइस बताएं? ये 18,000 रुपये का मंदिर है आप देख रहे हैं। तो एक छोटा मंदिर भी है, ये इन्होंने फ्रेशमेंट का सारा लगाया हुआ है। फ्रेशमेंट कर रहे हैं यहाँ क्योंकि लोग आते हैं भूखे प्यासे तो इनके खाने पीने का भी अरेंजमेंट हुआ है। शरबत वगैरह सब यहाँ मौजूद है और फ्रेशमेंट का काम है। और ये छोटा सा मंदिर है, ये 8,000 रुपये इन्होंने इसकी कीमत बताई है। तो ये सब कुछ है यहाँ मौजूद। तो आप लोग देख रहे हैं ये सब हमारे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल लता रवि। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर भी आए हैं। जय श्री राम भगत। जय श्री राम हनुमान। जय श्री राम और हनुमान। कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त भी आ गया रामलीला वाला, हम लोग रामलीला करते किचन में। जबरदस्त। ये अभी आ गया देख ले, दोनों दोस्त मौजूद है। नाम बताओ अपना। हर्षित मेरा निहाल। और मोर के अंडे भी है तीन तीन। अच्छा कहाँ पर है? हाँ किचन में पड़े हुए। एक तो मोर करने वाला लेकर चलेगा, दो पड़े हुए अशोक भाई ने रखे, मोर ने दिए। वाह जी वाह, जबरदस्त। अभी मोर के बच्चे भी दिखाना मुझे फिर, ठीक है? अच्छा बोलो लता रवि सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये धन्यवाद, ये बच्चों का प्यार है हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं ये दो हमारे सब्सक्राइबर यहाँ मौजूद थे। देखिए अभी हमने पानी लिया, इन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए तो उनके प्रेम के हम बहुत आबीभारी हुए और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें लता जी को पानी दिया है और उसे पैसा नहीं लिए तो उनका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हम लोग दीवे बेचते हैं, दीवे अच्छा लगता है। हर साल
वही काम करते हम लोग। और बम भी बेच रहे? बम भी बेचते हैं। बम कहाँ आपके? पटाखे हम लोग घर में बेचते हैं। हाँ तो घर लेके चलना। हम बोलते हैं सब घर यहाँ पर लगाओ तो अच्छा लगे, अभी घर पे लगा रहे हम लोग अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो अभी घर लेके चले, घर बताए हम आपको पटाखे। हाँ चलो ठीक है, चलो घर चलते हैं। इनके बेटे बने थे ना वो येरा रावण की बहन, रावण की बहन आ जा इधर आ। ये रावण की बहन भी आ गई है। आज मैं इनसे मिलने भी आई हूँ सबसे, वापस इनके इंटरव्यू लेने आई है। देखो आ गए जो बनी थी ना रावण की बहन, रावण को क्या बोली? रावण की बहन को बोल बनाया मैंने। अच्छा ये रावण की बहन आप बने थे, कैसा लगा था आपको? भाई बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हर साल बनाते रहते हैं, हर साल बनते रहते हैं। क्यों काटते हैं आप? ये मैंने रावण राम लक्ष्मण के साथ जाता हूँ मैं तो, सीता को वो करने जाता हूँ तो लक्ष्मण में नाक काट देता है, फिर रावण के पास जाती हूँ मैं। रावण को आपने बताया कि सबसे खूबसूरत लड़की है तो उसको चढ़ाया आपने ना? हाँ रावण को चढ़ाया, फिर आपने चढ़ा के उसकी नीयत खराब कर दी। बस अब जो है वो सीता का हरण करना है। हाँ ये सारा सारा कार्य आप ही का है मेन इसके अंदर, है ना भाई? मैंने थोड़ी करा, सूर्यपंखा ने करा, सूर्यपंखा बनने में गलती है। चले धन्यवाद आपका बेटा। तो ये देखा आपने सूर्यपंखा से हमने आपको मिलाया, इनकी माता जी श्री से भी मिलाया, इनकी माता श्री भी यहाँ कारोबार कर रही हैं, उनको दिखा रहे हैं सब। ये अभी हम आए ये घर में जो पटाखे बेच रहे हैं, दिवाली की सारी खुशियाँ हैं इन बच्चों की, इनमें इन पटाखों के अंदर। तो हम आए 16 ये आपने रामायण देखी थी? रामायण में सूर्यपंखा जो बनी थी इन्हीं का घर है, रावण की बहन का आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें हमने दिखाई, तो ये सूर्यपंखा का घर है, इनके घर में पटाखे अब देखें बिक्री करें दिवाली के। तो आप हमारा दशहरा भी देखेंगे और उसके बाद ये दिवाली का प्रोग्राम भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप बताइएगा, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दिवाली की तैयारी में बच्चा बहुत मगन हो गया है, और इसने देखे अपने सर के ऊपर जो है क्या है, घोड़ा है, बकरा है। अच्छा ये बकरा इसने अपने सर पे बिठाया। आपका नाम क्या है बेटा? सुमित। सुमित, ये सुमित है हमारे साथ, देखिए ये मौजूद है। लता जी को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने ख़ास रोक के इनके साथ बोला मेरा एक फ्रेम बनाया, वो मैंने बना दिया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये एक छोटा और भी एक बच्चा है। हाँ बेटा क्या नाम है? टूटू। अच्छा ये टूटू है, और ये जो है क्या नाम? ये सुमित। ज़बरदस्त, चले बेटा अपना ख्याल रखना, जय श्री राम। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए आप यहाँ शोर शराबा सब चीज़ें चल रही हैं और बहुत धार्मिक तरीके से चल रही है, बहुत अच्छा इवेंट्स के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये हम दिखाएंगे आपको पटाखे की मार्केट, वहाँ ले चलेंगे भी आपको। तो वो बंदर रोड के प्रिंस सनमा के पास एम ए जिना रोड पर मौजूद है, तो जाएंगे भी हम वहाँ, थोड़ा वहाँ का आपको शूट दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो लता जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बच्चियों ने घंटियाँ भी ली हुई हैं, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अभी हम भी थोड़ी शॉपिंग कर लें। अब हम जरा हम भी हमारी भी शॉपिंग करें, लता जी क्या ले रही है, हमारी भी देख लें। चलो अभी मुझे दिए दिला दे, मुझे भी दिए दिला। अब चले देखो ये लोगों को पकड़ लो, घरों में लेके जा रहे। नहीं मजाक कर, ऐसे मजाक कर ले। नहीं नहीं बताओ ना कहाँ है, कितने के है, क्या है, बताओ तो थोड़ी डिटेल तो दो। चाइना मार्केट 50 का है। अच्छा और थोड़ा थोड़े यार इसमें बोलेगी तो आवाज आएगी तो जो ऐसे ले। ये देखे मैंने भी खरीदी, तस्वीर खरीदी है, और ये क्या मोतिया गोटिया ऐसे भी खरीदे, पूजा की सामग्री है, और भी आपको दिखाती हूँ जो लूंगी। ठीक देखे, अब ये लता जी भी जो है ना वो सारे चराग एक एक चराग ढूंढ के निकाल रही हैं, और ये अभी कल हम पूजा करेंगे तो आपको दिखाएंगे लक्ष्मी माता की पूजा। तो बस अभी हमने सारा ले लिए सामग्री, अब हम जा रहे हैं तो आपको ये दिखा रहे थे। से 1450 रुपये सही, और ईजी से के
450 रुपए में। अरे भाई पता बे चीजों का है से बाकी बट दस ये वाले को ले वो लोग ने 1500 में तण दीवा दे भाई तो गलती थी कि भाई मैं आकर रहा था। जय श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव। ये मंदिर में आज प्रवेश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि अभी हमने ये जो बाहर का इवेंट्स बनाया। राधा कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने मान की जय सनातन धर्म।